छतरपुर जिला के राजनगर तहसील अंतर्गत ग्राम अचनार में विशाल दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय पहलवानों के अलावा पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए हुए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाकर उपस्थित हजारों की तादाद में लोगों का दिल जीत लिया, जिसमें प्रमुख रूप से महिला पहलवानों के बीच हुआ मुकाबला तथा अयोध्या से आए पहलवान पांडे ने अपने फुर्तीले अंदाज से लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अचनार की पहाड़ियों के पास आयोजित इस जंगल कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने कहा कि इस तरह की आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने से व्यक्ति के अंदर की क्षमताएं जागृत होती हैं तथा पहलवानी जैसे खेलों में हिस्सा लेने से शारीरिक तौर पर व्यक्ति पुष्ट होता है। खेल हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिससे हम चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। वहीं आपने कहा कि हमारे नगर परिषद खजुराहो के अध्यक्ष पप्पू अवस्थी के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बेहद सराहनीय है। उन्होंने उपस्थित सभी जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी इसी तरह के खिलाड़ियों का मान बढ़ाते रहें। इस दंगल प्रतियोगिता में क्षेत्रीय पहलवानों ने भी हिस्सेदारी की, जिसमें सिंगौरो बराई से आई महिला पहलवान मछला की यूपी इलाहाबाद से आई महिला पहलवान के साथ हुई शानदार पकड़ तथा कुश्ती का लोगों ने भरपूर आनंद लिया। दंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ हुजूम देखा गया। जानकारी के अनुसार 3 से 4 हजार लोगों ने इस शानदार मुकाबले का आनंद उठाते हुए यहाँ उपस्थित रहे। दंगल प्रतियोगिता में शानदार कमेंट्री के माध्यम से संतोष सिंह तथा दीनदयाल पाल ने सभी को आकर्षित किया। वहीं आयोजन में प्रमुख रेफरी घनघोर घटा बांदा तथा प्रभु दयाल यादव के द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी। जो परंपराएं अभी पहले गाँव गाँव में पहलवान भाव करते आदमी चुकी व्यायाम से जुड़े राव करते गाँव गाँव में दंगल भाव करते गाँव से पहलवान निकलो करते, लेकिन अब जो प्रचलन खत्म हो गो आदमी 24 घंटा जो हमारे नौजवान भाई है वो केवल मोबाइल में फंसो फेसबुक और व्हाट्सएप में, इसके अलावा वह कछु नहीं दिखा। हम भैया आ रहे हो आप सबसे देते हमारे नौजवान भाई है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। एक चीज और है, इस तरीका की आदमी चाहे कोनो खेल हो चाहे दंगल हो चाहे कोनो भी ऐसे आयोजन हो, हम तो कहते संगीत हो कछु भी हो, तो इस प्रकार के आयोजन से जो हमारे नौजवान गलत दिशा में भटक रहा हो।